हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रजभूषण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आज रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम था, 4 जनवरी है। कैसा रहा एग्ज़ाम, इन्हीं लोगों से पूछते हैं। कितने अटेम्प्ट्स किए आपने? सर 93 अटेम्प्ट किए थे। आपने? 95। आपने? 97। आपने? 91। अच्छा, करंट अफेयर्स की बात किया तो करंट अफेयर में किस तरीके के सवाल पूछे गए? सर करंट अफेयर्स में कुछ नरेंद्र मोदी ने जो योजनाएं चलाई थी उनके बारे में भी बात की गई थी। क्या क्या सवाल था? सवाल था सर कन्या समृद्धि योजना कब चालू की गई थी, इसके बारे में सवाल था। सुकन्या योजना कब चालू की गई? जी सर। और क्या सवाल थे? और सर नीति आयोग से संबंधित एक सवाल था, जो योजना आयोग के उसमें आ गया है, उन नीति आयोग के सवाल थे। अच्छा, और क्या क्या सवाल थे? सन 1906 में राष्ट्रगान सबसे पहले वो किस स्टेट में गाया गया था? सन 1906 में। अच्छा, और क्या क्या सवाल गाया था? संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? कौन सा? संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? क्या उनमें हुआ था? साइमन कमीशन के बारे में सवाल थे। साइमन कमीशन कब आई थी इंडिया में? साइमन कमीशन 1857 का जो रिवोल्ट था वो कब खत्म हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब उस पर विजय पा ली थी, इस टाइप तरह के सवाल थे। तो हिस्ट्री जो है वो ज़्यादा थी हमारी, और बायो की मात्रा भी ज़्यादा थी। बॉक्साइट जो है हमारा एक और, वो कहाँ पे मिलता है इंडिया में सबसे ज़्यादा, इस टाइप के कुछ सवाल थे। कोई दर्रा या इस तरीके का कोई सवाल था जुड़ा हुआ किसी का? दर्रे वगैरह, बांध वगैरह का इस तरीके का कोई सवाल? हाँ, दो थे कि मतलब सरोवर डैम कहाँ पर बना हुआ है, एक सरोवर डैम कहाँ पर बना हुआ है। हाँ, ऐसे एक सवाल था। और एक और था कोई, और बताइए किस नदी पे बना हुआ है एक डैम। अच्छा, इतिहास में फ्रीडम मूवमेंट में से यही थी। 1857 का जो भारतीयों ने जंग करी थी तो अंग्रेजों ने उस पर विजय पा ली थी, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, तो कब खत्म हो गया था वो। साइमन कमीशन इंडिया में कब आया था, इस टाइप के सवाल थे। अच्छा, टेक्नोलॉजी से कोई जुड़ा हुआ सवाल था, बहुत सारे पूछे थे, कोई फुल फॉर्म है इस तरीके का? URL का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और जावा जो लैंग्वेज है वो किसने बनाई है। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी से भी यही थे सवाल। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एनवायरनमेंट से जुड़े सवाल बहुत पूछे जा रहे थे पिछले एग्जाम हमने देखे, ऐसा नहीं कोई नहीं। यूएन से काफ़ी दो तीन सवाल थे, मतलब टोटल मेंबर्स उसके कितने हैं, यूएन में टोटल मेंबर्स कितने हैं, और संख्या कितनी है यूएन में, कितने मेंबर्स की है, ये था एक सवाल। और एक और था कि मतलब उसमें जो एक नॉन मेंबर्स टाइप करके कुछ एक और था, वो मैं समझ पाया। कोई बुक का ऑथर वगैरह? हाँ, एक कोई तमस नाम की बुक है, उसका ऑथर। तमस का ऑथर लेखक कौन है? तो पेपर मैथ थे, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, पेपर काफ़ी अच्छा था। ट्रिग्नोमेट्री में से क्या सवाल था? ट्रिग्नोमेट्री में से इस टाइप की 10 थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई थी, तो उसके बाद हमको बताना था। और एक LCM HCF, दो तीन सवाल थे LCM HCF। क्या LCM HCF? सर इसी टाइप के देखे, LCM दिया हुआ है और A और B दिए हुए हैं, तो LCM उसका HCF निकालना हुआ है मल्टीप्लाई करके, और रेशियो काफ़ी थे, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क। हाँ, एक एक दो दो क्वेश्चन दे। क्या क्या सवाल? इसी टाइप टाइम एंड वर्क से सीधे का, दो लोग किसी काम को 15 दिन में कर लेते हैं तो एक अकेला कितने दिन में कर पाएगा उसको। अच्छा, इस टाइप से थे सर सवाल। अच्छा, और इसमें से अल्जेब्रा वगैरह में से सिंपल एक सवाल था सर, दो सवाल। एक से था PRT/100 करके इंटरेस्ट निकालना था, और एक था सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का माइनस करके निकालना था, डिफरेंस निकालना था। अच्छा, रीजनिंग में से बताइए। रीजनिंग में से वही आए थे अल्फाबेटिकल वाले, चेंज करने वाले, कोडिंग वगैरह के। रीजनिंग में क्या क्या सवाल? रीजनिंग में से जो थे वो इस टाइप के थे, एक स्टेटमेंट दिया हुआ था और उसमें से हमें बताना था कि उसका कंक्लूजन सही है या नहीं है। और सिलोजियम से होते हैं, सम वैल्यूज आर दिस, तो ऑल आर दिस, उस टाइप के सवाल थे हमारे। स्टेटमेंट आर्गुमेंट? हाँ, तीन सवाल थे सर। क्या क्या सवाल थे? आर्गुमेंट सर इस टाइप के थे कि अगर बनाना का प्राइस लीची से ज़्यादा है और लीची का प्राइस कीवी से कम है, तो क्या कीवी सबसे ज़्यादा है, इस टाइप से थे। कोडिंग डिकोडिंग? कोडिंग डिकोडिंग सर हाँ, दो तीन सवाल थे। क्या कोडिंग के थे? अगर एक सेंटेंस दिया हुआ था उसमें से जगह हमें चेंज करनी थी, आ हिल इज दिस और दिस इज हिल, तो हमें इस टाइप से वैल्यू निकालनी थी, इस टाइप के सवाल थे। पेपर मॉडरेट था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, अगर किसी ने तैयारी अच्छी की हुई है तो वो आराम से निकाल सकते। फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस वगैरह में से कुछ सवाल? बायो में बताया, बायो ज़्यादा थी, और फिजिक्स में भी ये था कि है
फ्लूड की जो, जब फ्लूड एक स्टैटिक पोजीशन पे होता है तो हम उसको हाइड्रोस्टैटिक बोलते हैं। अच्छा, ये था बस इसी टाइप के क्वेश्चन थे। बायोलॉजी में था एक पिगलेट, एक होता है पिगलेट टाइप का एक, वो प्लांट्स में होता है, तो वो एसेक्सुअल है या फिर हेट्रोसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल है, ये था एक क्वेश्चन था। तो देखा दोस्तों किस तरीके के सवाल रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर्स की बात की जाए तो 2019-2020 का करंट अफेयर एग्ज़ाम में देखने को मिल रहा है, वहीं दर्रे बांध से जुड़े हुए सवाल भी इस एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। वहीं ख़ास तौर पर बात की जाए तो यूएन से जुड़ा हुआ सवाल ज़रूर इन एग्ज़ाम में देखने को मिल रहा है, चाहे फर्स्ट शिफ्ट हो चाहे सेकेंड शिफ्ट हो, उसमें ज़रूर पूछा जा रहा है। वहीं बुक से जुड़े हुए कि बुक के ऑथर कौन है, इस तरीके के सवाल भी एनटीपीसी आरआरबी के एग्ज़ाम में देखने को मिल रहे हैं। वहीं हमारी करंट अफेयर की जो बुक है, जो नई किताब आई है, वो अमेज़ॉन में बेस्ट सेलर का खिताब पा चुकी है। वहीं हमने अपनी इस बुक का पीडीएफ जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारी जो सरकारी जॉब की टीम है लगातार आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम पर वॉच कर रही है और सीधे सेंटर से आपको जितने भी सवाल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको आप तक पहुंचाने का काम कर रही है। टीम सरकारी जॉब न्यूज़।